हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजोरिया। इस वीडियो में हम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और साथ ही जानेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है और वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, यानी कि उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो तुम किसी बाइक या स्कूटी से कहीं पे जा रहे हो, तो किसी टाइम टी पर आपकी वेलोसिटी क्या है, किस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है और कुछ टाइम बाद की आपकी पोजिशन क्या होगी। तो फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर हम इन सब चीज़ों की स्टडी करते हैं उसे ही हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। अब हम काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहली टर्म है रेस्ट। देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी बेड के ऊपर लेटे हुए हो या फिर किसी चेयर पर बैठे हो, तो इन दोनों ही कंडीशंस में आपके आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे क्लॉक हो गई, ये टेबल लैम्प हो गया या ये बुक्स हो गई, तो इन सब के रेस्पेक्ट में आपकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब आप रेस्ट कंडीशन में हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है मोशन। देखिए, अगर किसी भी बॉडी की अपने आसपास की चीज़ों के रेस्पेक्ट में पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन के अंदर है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये जो बॉल है ये इस इंक्लाइन सरफेस के ऊपर फिसलती हुई नीचे आ रही है, तो इस इंक्लाइन सरफेस के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि जो बॉल है वो इस इंक्लाइन सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है या मोशन के अंदर है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि एक कार मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में आसपास की जो चीज़ें हैं उनके रेस्पेक्ट में जो कार है उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी तो हम कहेंगे कि जो कार है वो मोशन के अंदर है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो मोशन है वो हमेशा ऑब्जर्वर के रिलेटिवली देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड पर खड़े हुए ऑब्जर्वर के लिए ये कार मोशन के अंदर है, लेकिन इसके अंदर जो पर्सन बैठा है अगर उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो जो कार है वो रेस्ट कंडीशन में होगी, क्योंकि कार की जो पोजीशन है वो इसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। यानी कि यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो हमेशा ऑब्जर्वर की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है और उसी के रेस्पेक्ट में स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल। देखिए, अगर किसी भी बॉडी की जो साइज है वो उसके मोशन की रेंज की कंपेरिजन में अगर बहुत कम है तो उसे हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक बॉल को ऊपर उछालते हो, तो यहाँ पे बॉल जो हाइट कवर करेगी अगर वो बॉल की साइज़ की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉल की साइज़ है अगर वो उसके थ्रू कवर की गई हाइट की कंपैरिजन में काफ़ी कम है या नेग्लिजिबल है, तो उस कंडीशन में हम उस बॉल को पॉइंट मास ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कहेंगे। इसी तरीके से काइनेमेटिक्स में हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रही है तो उसके मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो कार्स हैं अगर वो एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही हैं तो उनके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाएगा। तो गाइज, अब हम बात करते हैं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह से वो पर्सपेक्टिव है या देखने का नज़रिया है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक ट्रेन अर्थ के ऊपर मूव कर रही है, तो यहाँ पर अगर हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें तो हम इस ट्रेन के मोशन को, यानी कि इसकी स्पीड, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इन सब चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ट्रेन के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो होगा अर्थ। लेकिन इस मूविंग ट्रेन के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो हम उस कंडीशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप इस मूविंग ट्रेन के अंदर हो और आपके हाथ में एक बॉल है जिसे आप ऊपर उछालते हो, तो उस बॉल के मोशन को स्टडी करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्रेन को बॉल के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा और हम इस बॉल के मोशन को इजीली स्टडी कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और अलग अलग कंडीशंस में इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। अब नॉर्मल कंडीशंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक सिस्टम यूज़ करते हैं। इन एक्सिस को कहा जाता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। साथ ही इसमें एक ऑब्जर्वर कंसिडर किया जाता है जो कि इन तीनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होता है, जिसके पास में एक क्लॉक होती है और उसकी हेल्प से वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को टाइम के साथ में कैलकुलेट कर पाता है।
यहाँ पे इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम ओरिजिन कहते हैं, और इसे ही हम ऑब्जर्वर की पोजीशन भी कह सकते हैं। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिन्हें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। इन तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसी ओरिजिन के ऊपर ऑब्जर्वर की पोजीशन कंसिडर की जाती है। साथ ही ऑब्जर्वर के पास में एक क्लॉक होती है जिसकी हेल्प से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, यानी कि उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकता है। काइनेमेटिक्स में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से पहला है वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड होगा टू डायमेंशनल मोशन और थर्ड है थ्री डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं कि एक कार है जो कि एक स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव कर रही है, या फिर आपके हाथ में एक बॉल है जिसे आप सीधा ऊपर की ओर उछालते हो। तो इन दोनों ही कंडीशंस में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो मोशन होता है उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इस पार्टिकल का सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट कंटिन्यूसली चेंज होगा, इसका जो वाई और जेड कोऑर्डिनेट है वो जीरो रहेगा। तो इस कंडीशन में इस पार्टिकल का जो मोशन है उसे वन डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान अगर एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में से उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसे हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मान लो कि एक कीड़ा है जो कि एक फ्लोर के ऊपर मूव कर रहा है, या फिर एक कार है जो कि एक सर्कुलर टर्न के ऊपर मूव कर रही है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक प्लेन के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इन ऑब्जेक्ट्स का जो मोशन है उसे टू डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जो पॉइंट पी है ये इस एक्स वाई प्लेन में अगर इस तरीके से मूव करे कि इसका जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो दोनों चेंज हो, तो उस सिचुएशन में इस पॉइंट पी का जो मोशन है उसे टू डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान अगर एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में से उसके कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। अब इसी तरीके से हम थ्री डायमेंशनल मोशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कि एक चिड़िया है जो कि आसमान के अंदर उड़ रही है, तो ये जो चिड़िया है ये आसमान के अंदर रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी कंटेनर के अंदर हमने एक गैस फिल की हुई है, तो इस कंटेनर में ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आगे पीछे या ऊपर नीचे रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ही कंडीशंस में इस टाइप के मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो पॉइंट पी है अगर वो इस तरीके से मूव करता है कि उसके तीनों यानी कि एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं तो इस टाइप के मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का ऐसा मोशन जिसमें उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स चेंज होते रहते हैं, इस टाइप के मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजिशन और पोजिशन वैक्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोजिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, पोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है एड्रेस या लोकेशन। जैसे अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि हम उस पॉइंट का एड्रेस या उसकी लोकेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं कि इसके ऊपर ये कोई पॉइंट है जहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। हम इस पर्सन या इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम इस पर्सन या इस पॉइंट की पोजीशन बता पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो ओ पॉइंट है इसे हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, इसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर हमने 1 1 मीटर डिस्टेंस पे कुछ मार्किंग की हुई है। जो ओरिजिन होता है उसके राइट साइड में जो डिस्टेंसेज है उसे हम नॉर्मली पॉजिटिव सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेज होती है उसे हम नेगेटिव सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस पर्सन की पोजिशन बताना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये ओरिजिन से 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसकी पोजिशन होगी +3 मीटर। अगर ये पर्सन इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड में खड़ा होता तो हम इसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करते। मान लेते हैं कि ये जो पर्सन है ये इस पॉइंट के ऊपर खड़ा है, तो उस कंडीशन में इस पर्सन की जो पोजीशन है उसे कहा जाएगा -2 मीटर, जिसका मतलब होगा कि जो पर्सन है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन के राइट साइड में जो डिस्टेंसेज होती हैं उन्हें हम नॉर्मली पॉजिटिव सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे,
और लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंसेज है उन्हें हम नेगेटिव सिंबल के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी भी पर्सन की पोजीशन -5 मीटर है तो इसका सिंपल सा मतलब ये रहेगा कि जो पर्सन है वो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। और अगर किसी भी पर्सन की पोजीशन +2 मीटर है तो इसका मतलब होगा कि जो पर्सन है वो ओरिजिन के राइट साइड में 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी हो तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? 3 डायमेंशन में किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हम जानते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का एक सिस्टम होता है जिन्हें हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कहते हैं। इन तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे हमने ओरिजिन को ओ के सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है पी और हम इसकी पोजिशन फाइंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं। पहला जो मेथड है वो ये है कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दें, जैसे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और z1। तो इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम इस पॉइंट P की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हम ओरिजिन के ऊपर खड़े हैं और हमें इस पॉइंट P के ऊपर पहुंचना है। तो यहाँ पे अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करें तो इस P पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग x1 डिस्टेंस चलना होगा। उसके बाद में हम वाई एक्सिस के अलोंग y1 डिस्टेंस चलेंगे, और जब हम जेड एक्सिस के अलोंग z1 डिस्टेंस कवर करेंगे तो हम इस पॉइंट P के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब 3 डायमेंशन में इस पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए जो सेकेंड मेथड हम यूज़ करते हैं वो ये है कि हम इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? देखिए, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ ड्रॉ किया जाता है जिसका वो पोजीशन वेक्टर होता है। ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम स्मॉल आर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पोजीशन वेक्टर है उसे स्मॉल आर वेक्टर के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें आई केप, जे केप और के केप से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वैक्टर है उसको लिखा जा सकता है x1 i केप +y1 j केप +z1 k केप। अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस बताना चाहें, यानी कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, तो इसके लिए हमें इस पोजीशन वेक्टर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना होगा, और उसके बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे। इससे हमें इस पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि हम अगर इस पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें, तो इसके लिए सिंपली आपको इसके जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, और उसके बाद में उसका अंडर रूट कर देना है। यानी कि इस पोजीशन वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है उसको लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर +y1 स्क्वायर +z1 स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3 डायमेंशन के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें से पहला मेथड है कि हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दें, जैसे कि इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1। और दूसरा मेथड ये है कि हम इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दें। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ ड्रॉ किया जाएगा, और अगर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है r vector = x1 i k + y1 j k + z1 k k। अगर हमें किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है और हम उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें उस पोजीशन वेक्टर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करना है, और उसके बाद में उसका अंडर रूट कर देना है। इससे हमारे पास उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस आ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, सुनने में तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज एक जैसी लगती है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम इसी डिफरेंस को डिटेल में स्टडी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मूविंग पार्टिकल के पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जिस पाथ के ऊपर पार्टिकल मूव कर रहा है, अगर हम उस पाथ के ऊपर एक धागा रखते हुए चलें तो उस धागे की जो टोटल लेंथ होगी उसे ही हम डिस्टेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हम पॉइंट ओ के ऊपर खड़े हैं और हमें पॉइंट बी के ऊपर पहुंचना है। तो इसके लिए हमने जो पाथ चूज किया है वो ये है कि हम पॉइंट ओ से पहले पॉइंट ए के ऊपर जाएंगे और फिर पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट बी के ऊपर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी ओ ए प्लस ए बी।
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पर्सन ने यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर करी है वो है ओ ए प्लस ए बी। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम पॉइंट ए के ऊपर खड़े हैं और हमें एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दौड़ते हुए वापस से पॉइंट ए के ऊपर पहुँचना है। तो यहाँ पे इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वो होगी 2 पाई आर, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस कवर की होगी वो होगी 2 पाई आर। तो यहाँ से सिंपली हमको ये समझ में आया कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उस मूविंग पार्टिकल के पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए चाहे हम कोई भी पाथ चूज करें, लेकिन हर एक केस में जो इनिशियल पॉइंट ओ और फाइनल पॉइंट बी है उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमेशा ओ बी होगा। इस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन की तरफ होती है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में अगर हम पॉइंट ओ से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी पॉइंट ओ से बी की तरफ। अब इस सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर पार्टिकल पॉइंट ए से चलता हुआ वापस से घूम के पॉइंट ए के ऊपर आ जाता है तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा और उस कंडीशन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर पार्टिकल घूम के वापस से उसी पॉइंट के ऊपर आ जाता है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमेशा ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो चलिए अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन भी होगी जो कि मूव करने वाले पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। इसी तरीके से हमको याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पाथ की लेंथ ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस भी ज़्यादा है और अगर पाथ की लेंथ कम होगी तो डिस्टेंस भी कम होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस पाथ से होते हुए पहुँचता है तो यहाँ पे इस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसे हम डिस्टेंस कहेंगे जो कि इस पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस होगा, यानी कि पार्टिकल चाहे किसी भी पाथ से मूव करे इसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। इसी तरीके से हमको याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर जीरो हो सकती है। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन के बीच की डिस्टेंस जीरो होगी, लेकिन अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अगर पार्टिकल रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर पार्टिकल घूम के वापस रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव माना जाएगा। और अगर पार्टिकल रेस्ट में है या घूम के वापस से इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे हमको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से हमेशा कम होगा या उसके इक्वल हो सकता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता है तो उसके थ्रू कवर की गई डिस्टेंस और उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। लेकिन अगर पार्टिकल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलता हुआ एक बड़ा पाथ चूज करता है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हों तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और z1, और इसी तरीके से ये कोई पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। मान लो हम पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसे कहा जाएगा ए बी वैक्टर और इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पॉइंट बी की तरफ होगी। अब अगर हम पॉइंट ए से बी की तरफ चलते हैं और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पॉइंट ए और बी के पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने होंगे।
हम जानते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर वो हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ ड्रॉ किया जाता है जिसका वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाहें तो इसके लिए हमें ओरिजिन से पॉइंट ए की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा। मान लेते हैं कि ये वेक्टर है आर वन, तो इस आर वन वैक्टर को हम पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर कहेंगे। इसी तरीके से पॉइंट बी की तरफ अगर हम ओरिजिन से एक वैक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसे पॉइंट बी का पोजिशन वैक्टर कहा जाएगा। मान लेते हैं कि ये पोजिशन वैक्टर है आर टू। अगर हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम इजीली उसका पोजिशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, तो इसके पोजिशन वेक्टर आर वन को लिखा जा सकता है एक्स वन आई केप प्लस वाई वन जे केप प्लस जेड वन के केप। इसी तरीके से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू जेड टू, तो इसके पोजिशन वैक्टर आर टू को लिखा जा सकता है एक्स टू आई केप प्लस वाई टू जे केप प्लस जेड टू के केप। अब हम पॉइंट ए और बी के बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम फर्स्ट वेक्टर ए से सेकंड वेक्टर बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखा जाएगा आर वन टू। यहाँ पे आर वन टू का मतलब होगा कि हम पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर हम पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाते तो इस डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाता आर टू वन, जिसका मतलब होता कि हम सेकेंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वन टू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ यूज़ करूँगा। वेक्टर एडिशन का जो ट्रायंगल लॉ है वो ये कहता है कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को बंद करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पे जो आर वन वैक्टर और आर वन टू वैक्टर हैं ये दोनों कंटिन्यूस वैक्टर हैं, और आर टू यहाँ पे इस ट्राइंगल की थर्ड लाइन है जो कि इस ट्राइंगल को बंद कर रही है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इन दोनों वैक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर वन वैक्टर प्लस आर वन टू वैक्टर इक्वल टू आर टू वैक्टर। यहाँ से आर वन टू वैक्टर को लिखा जा सकता है आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर। अब यहाँ से अगर मैं आर वन और आर टू की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दूँ तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है आर वन टू वैक्टर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन आई केप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे केप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के केप। साथ ही इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए इस डिस्प्लेसमेंट वैक्टर के जो एक्स वाई और जेड कम्पोनेंट्स हैं हम उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसके बाद में उसका अंडर रूट कर देंगे। इससे हमारे पास इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमने देखा कि अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तो हम उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इजीली लिख सकते हैं। अगर हम पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आर वन टू, जिसे लिखा जा सकता है एक्स टू माइनस एक्स वन आई केप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे केप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के केप। और इस डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्पीड और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, साथ ही इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीड का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम। यानी कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट किस रेट से कोई भी डिस्टेंस कवर करता है उसे ही हम उस पार्टिकल की स्पीड कहते हैं। चलो इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई कार है जिसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कार इस पाथ से होते हुए मूव करेगी। मान लेते हैं कि इस पाथ की लेंथ है 100 किलोमीटर। यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कार को जो डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो होगी 100 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कवर करने में कार को जो टाइम लगता है वो है 2 आवर्स। तो यहाँ पे इस कार की इस डिस्टेंस को कवर करने की जो रेट है उसे लिखा जा सकता है 100/2, यानी कि ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। और ये जो डिस्टेंस कवर करने की रेट है इसे ही हम इस कार की स्पीड कहेंगे, यानी कि इस कार की स्पीड होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से सिंपली हमको ये समझ में आया कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जिस रेट से कोई भी डिस्टेंस कवर करता है उसे ही हम उस पार्टिकल की स्पीड कहते हैं। स्पीड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होती है और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। साथ ही हमको याद रखना है कि किसी भी पार्टिकल की जो स्पीड है वो जीरो और पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी स्पीड जीरो रहेगी, लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगा,
और उस कंडीशन में उस पार्टिकल की स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब हम बात करते हैं कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए टोटल जितनी भी डिस्टेंस कवर करता है, अगर हम उस टोटल डिस्टेंस को उस डिस्टेंस को कवर करने में लगे टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड आ जाएगी। यानी कि एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला बन गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अगर कोई भी पार्टिकल अपने टोटल जर्नी के दौरान अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर करता हो तो उसकी एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल ने S1 डिस्टेंस V1 स्पीड से कवर की है, S2 डिस्टेंस V2 स्पीड से कवर की है और S3 डिस्टेंस V3 स्पीड से कवर की है। इस तरीके से उस पार्टिकल ने अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड से कवर की हैं तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस को लिखा जा सकता है S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। अब हम जानते हैं कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम इनमें एक रिलेशन होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू लिखा जा सकता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हम S1 डिस्टेंस को कवर करने में लगे टाइम को कैलकुलेट करें तो उसे लिखा जा सकता है S1 अपॉन V1। इसी तरीके से S2 डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा उसे लिखा जा सकता है S2 अपॉन V2। और इसी तरीके से जो S3 डिस्टेंस कवर करने में लगा टाइम है उसे लिखा जा सकता है S3 अपॉन V3। और इसी तरीके से डिफरेंट डिस्टेंसेस को कवर करने में पार्टिकल को जो टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी कि पार्टिकल को टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा उसको लिखा जा सकता है S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम पार्टिकल की एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो स्पीड होती है उसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हम एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो डेल्टा टी होगा यानी कि जो टाइम इंटरवल होगा ये ऑलमोस्ट जीरो होगा। यानी कि इंस्टेंट स्पीड को लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इस स्मॉल टाइम इंटरवल को हम dt भी लिख सकते हैं। और उस dt टाइम इंटरवल में अगर पार्टिकल ने ds डिस्टेंस कवर की है तो उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखा जा सकता है ds/dt। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड। अब यहाँ पे आप एक बात सोच के बताइए कि अपनी बाइक या फोर व्हीलर का जो स्पीडोमीटर होता है वो कौन सी स्पीड को शो करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे आंसर होगा कि जो स्पीडोमीटर है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर बाइक या फोर व्हीलर की स्पीड क्या है इसे स्पीडोमीटर शो करता है। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज होता है उसे ही हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी कहते हैं। हमको याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होती है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मानी जाएगी। साथ ही हमको याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। चलिए इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कार एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। यहाँ पे कार जैसे जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से दूर होती जाएगी इस कार का ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। यानी कि इस कार के डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट है वो पॉजिटिव रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जब कार एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगी तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन अगर ये कार आगे यू टर्न लेते हुए वापस से ओरिजिन की तरफ आती है तो उस कंडीशन में इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली कम होता जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट नेगेटिव होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब कार यू टर्न लेके वापस से ओरिजिन की तरफ आती है तो उस कंडीशन में इस कार की वेलोसिटी नेगेटिव होगी। यहाँ पे कार ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया था और अगर कार घूमकर वापस से ओरिजिन पे आ जाती है
तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो उस कंडीशन में इस कार की वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ए पॉइंट से दौड़ते हुए जाते हो और वापस से घूम के ए पॉइंट पे आ जाते हो, तो उस कंडीशन में आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोजिशन सेम है। तो इस सिचुएशन में आपकी जो वेलोसिटी होगी उसे जीरो माना जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। यानी कि किसी भी बॉडी को कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जितना भी टाइम लगता है, अगर हम उस डिस्प्लेसमेंट को उस टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास उस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी के लिए हम कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। हमने देखा था कि जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा आर का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी का मतलब है टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देखा जाए तो ये जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा होगा, यानी कि इसे हम ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी को लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल होगा। इस स्मॉल टाइम इंटरवल को हम डी टी भी लिख सकते हैं, और इस डी टी टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम डी आर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा जा सकता है डी आर बाई डी टी, जहाँ पे r वेक्टर उस पार्टिकल का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर होगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कह सकते हैं। यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी इट्स एवरेज वेलोसिटी इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इट्स स्पीड ऑल आर इक्वल। यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इससे ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में हम वेलोसिटी को कॉन्स्टेंट मानेंगे। तो उस सिचुएशन में जब पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है उसकी एवरेज वेलोसिटी, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी स्पीड तीनों इक्वल होते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, यानी कि उसकी वेलोसिटी अगर टाइम के साथ में चेंज हो रही होती है, तो इस टाइप के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसे ही हम उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि एक कार मूव कर रही है और इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है। हो सकता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो या फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो उस कंडीशन में इस कार के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, यानी कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी, तो इस पार्टिकल के मोशन को भी हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। तो इस तरीके से सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, और उस पार्टिकल की वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसे ही हम उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट है कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि एक्सेलरेशन की एक डायरेक्शन भी होगी। साथ ही हमको याद रखना है कि वेलोसिटी के चेंज होने की जो डायरेक्शन होगी उसे ही हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मानेंगे। अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उसकी वेलोसिटी में ये चेंज पॉजिटिव होगा, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के अलोंग होगी। लेकिन अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव होगा, और उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर की जाएगी। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी के चेंज होने की डायरेक्शन के अलोंग होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है।
अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी में टोटल चेंज और उस वेलोसिटी को चेंज होने में लगे टोटल टाइम का जो रेशियो होता है उसे हम उस पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि एवरेज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। यहाँ पे वी टू माइनस वी वन का मतलब है टोटल चेंज इन वेलोसिटी और टी टू माइनस टी वन का मतलब है टोटल टाइम टेकन। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल का जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी और साथ ही उस वेलोसिटी को चेंज होने में लगे टोटल टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए इस डेल्टा टी की वैल्यू काफ़ी स्मॉल रहेगी और इसे हम ऑलमोस्ट जीरो भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी। अगर हम इस स्मॉल टाइम इंटरवल को डी टी लिख दें और उस स्मॉल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसे अगर डी वी लिख दिया जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है डी वी बाई डी टी। साथ ही जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसे पोजिशन वैक्टर आर की टर्म्स में लिखा जा सकता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। यानी कि किसी भी पार्टिकल के पोजिशन वैक्टर का टाइम के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन उस पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमको याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज हो रही है। जैसे कि इस फर्स्ट केस में हम देख सकते हैं कि अगर इस बॉल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव रहेगा। साथ ही अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के साथ में अगर डिक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। जैसे कि इस बॉल की वेलोसिटी अगर टाइम के साथ में डिक्रीज होती जा रही है तो इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। साथ ही अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है तो उस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जैसे कि अगर ये बॉल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो इसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मानी जाएगी और उस कंडीशन में इसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। काइनेमेटिक्स में हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन के बीच के रिलेशन को बताने के लिए हम कुछ बेसिक इक्वेशंस यूज़ करते हैं। इन इक्वेशंस को इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स कहा जाता है। इस वीडियो में हम इन इक्वेशंस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स की इन इक्वेशंस को डिराइव करते टाइम हम ये मान के चलेंगे कि जो पार्टिकल है वो एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करते हैं। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट होती है उसे ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल के एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी और यहाँ से लिखा जा सकता है डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी टी। अब मान लेते हैं कि टी इक्वल टू जीरो टाइम पे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है यू और आफ्टर टाइम टी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो हो जाती है वी। तो अगर हम इस इक्वेशन का इन लिमिट्स के साथ में इंटीग्रेशन करें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी वी विद लिमिट्स यू टू वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी विद लिमिट्स जीरो टू टी। अब जब हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स डिराइव करते हैं तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट माना जाता है, तो यहाँ पर इस एक्सेलरेशन ए को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी इंटीग्रेशन डी वी विद लिमिट्स यू टू वी इक्वल टू ए इंटू इंटीग्रेशन डी टी विद लिमिट्स जीरो टू टी। अब यहाँ पे इस dv का इंटीग्रेशन होगा v और इस dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है v विद लिमिट्स u टू v इक्वल टू a इंटू t विद लिमिट्स जीरो टू t। अब अगर हम इस इक्वेशन में अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाती है v माइनस u इक्वल टू ए टी, जिसे सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यानी कि अगर किसी भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u हो और वो पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो आफ्टर टाइम टी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में होती है। जब हम किसी भी पार्टिकल का वन डायमेंशनल मोशन स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे इसी इक्वेशन को हम स्केलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें किसी भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन पता है तो आफ्टर टाइम टी उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब हम काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन को डिराइव करके देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने की रेट को वेलोसिटी कहा जाता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी को लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एस इक्वल्स टू वी इंटू डी टी। अब हम जानते हैं कि आफ्टर टाइम टी जो पार्टिकल की वेलोसिटी वी है उसको लिखा जा सकता है यू प्लस ए टी। तो अगर हम इस इक्वेशन में वी की वैल्यू पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है डी एस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो इनिशियली ओरिजिन पे था और आफ्टर टाइम टी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एस। तो अगर हम इस इक्वेशन का इन लिमिट्स के साथ में इंटीग्रेशन कर दें तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एस विद लिमिट्स 0 टू एस इक्वल टू इंटीग्रेशन यू प्लस ए टी इंटू डी टी विद लिमिट्स 0 टू टी। अब यहाँ पे जो डी एस है उसका इंटीग्रेशन होगा एस। यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में इस यू का इंटीग्रेशन होगा यू इंटू टी। साथ ही हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे ए इंटू टी का इंटीग्रेशन होगा ए इंटू टी स्क्वायर बाई टू। यानी कि इंटीग्रेशन के बाद में इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है एस विद लिमिट्स 0 टू टी इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई टू ए टी स्क्वायर विद लिमिट्स 0 टू टी। और अगर हम इस इक्वेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाती है डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन को वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम स्केलर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है तो टी टाइम बाद में हम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे। काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी वी को लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से अगर हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो टी इक्वल टू लिखा जा सकता है वी माइनस यू अपॉन ए। काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन में हमने स्टडी किया था कि पार्टिकल का आफ्टर टाइम टी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिखा जा सकता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से टी की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है एस इक्वल्स टू यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1 बाय टू ए इंटू वी माइनस यू अपॉन ए होल स्क्वायर। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2a से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन बन जाती है 2as इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv। इस इक्वेशन में ये जो 2uv है ये कैंसिल हो जाएगा, साथ ही एक u स्क्वायर भी कैंसिल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये स्केलर फॉर्म में है, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वैक्टर डॉट एस वैक्टर। तो इस तरीके से अगर हमें किसी भी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है और उसका एक्सेलरेशन पता है तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस हम उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम काइनेमेटिक्स की सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए ये कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी पार्टिकल मोशन स्टार्ट होने के बाद में एंथ सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एस एंथ इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। यहाँ पे एस एन का मतलब है एन सेकेंड के अंदर पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट और एस एन माइनस वन का मतलब है एन माइनस वन सेकेंड्स के अंदर पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम एन सेकेंड में पार्टिकल के टोटल डिस्प्लेसमेंट में से एन माइनस वन सेकेंड में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस कर दें तो इससे हमें मिल जाएगा कि पार्टिकल ने एन सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। अब अगर हम काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हुए इस इक्वेशन में एस एन और एस एन माइनस वन की वैल्यूज पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी एस एंथ इक्वल टू यू एन प्लस वन बाय टू ए एन स्क्वायर माइनस यू इंटू एन माइनस वन प्लस वन बाय टू ए इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बन जाती है एस एंथ इक्वल टू यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन। इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है और उसका एक्सेलरेशन पता है तो मोशन स्टार्ट होने के बाद में एंथ सेकेंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
काइनेमेटिक्स में जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं तो इसमें ग्राफ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस वीडियो में हम किसी भी मूविंग बॉडी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ्स को स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी ग्राफ को स्टडी करने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे किसी भी ग्राफ के स्लोप का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपली इसे समझें तो किसी भी ग्राफ के स्लोप का मतलब है कि उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ में कितना इंक्लाइनेशन या झुकाव है। या हम इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस ग्राफ के वाई कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसे ही हम उस ग्राफ का स्लोप कहते हैं। यानी कि किसी भी ग्राफ के लिए चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डेल्टा वाई और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डेल्टा एक्स का जो रेशियो होगा, उसे ही हम उस ग्राफ का स्लोप कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन, और ये सेकेंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स टू वाई टू। अगर हम पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ मूव करते हैं तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है वो है एक्स टू माइनस एक्स वन, जिसे हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ मूव करने पे इसके वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है वो होगा वाई टू माइनस वाई वन, जिसे हम डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप को लिखा जा सकता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, या फिर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अब अगर हम पॉइंट वन के ऊपर एक्स एक्सिस के पैरल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो इस स्ट्रेट लाइन और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल होगा थीटा। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा लिखें तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो कि इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के पैरल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना भी एंगल बनता है उसका जो टेन फंक्शन होगा यानी कि जो टेन थीटा होगा वो उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप को लिखा जा सकता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या फिर टेन थीटा। लेकिन अगर हमें किसी भी टेढ़े मेढ़े ग्राफ के लिए किसी भी पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप फाइंड करना हो तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, अगर हमें किसी भी कर्व ग्राफ के लिए किसी पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप फाइंड करना हो तो उस पॉइंट के लिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स काफ़ी छोटे होंगे, इसलिए हम इसे डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ का स्लोप है वो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब उस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे। इस एंगल का जो टेन फंक्शन होगा यानी कि जो टेन थीटा होगा वो इस पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ के स्लोप के इक्वल होगा। यानी कि जिस भी पॉइंट पे हमें ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है हम उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल चेक करेंगे। उस एंगल का जो टेन फंक्शन होगा यानी कि जो टेन थीटा होगा वो उस पॉइंट के ऊपर उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी ग्राफ का स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट पर ग्राफ के स्लोप को लिखा जा सकता है डी एस बाई डी टी, जिसे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए किसी भी पॉइंट पे ग्राफ का जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट पे मूविंग पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा वो उस मूविंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये ग्राफ टाइम एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा तो इसका एरिया पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे की तरफ हो तो इस ग्राफ का एरिया नेगेटिव रहेगा। अगर हम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो पॉजिटिव या नेगेटिव एरिया है अगर हम उसे विदाउट सिंबल ऐड करते हैं तो वो पार्टिकल के थ्रू कवर की गई टोटल डिस्टेंस के इक्वल होगा। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो टोटल एरिया है वो पार्टिकल के थ्रू कवर की गई टोटल डिस्टेंस के इक्वल लिखा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो पॉजिटिव या नेगेटिव एरिया है उसे अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल के साथ में ऐड करते हैं तो उस पार्टिकल के थ्रू कवर किए गए टोटल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल लिखा जाएगा। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्राफ का जो स्लोप है वो उस पॉइंट पे मूविंग बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो टोटल एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है,
और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो पॉजिटिव या नेगेटिव एरिया है उसे सिंबल के साथ में ऐड करते हैं तो उससे हमें पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो चलिए अब हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइप के पोजिशन टाइम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल की पोजीशन है वो टाइम के साथ में कांस्टेंट बनी हुई है, यानी कि टाइम के साथ में पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। साथ ही ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ में बनने वाला एंगल जीरो होगा और इसकी वजह से इस ग्राफ का जो स्लोप है जिसे हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं वो जीरो रहेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर ग्राफ का जो स्लोप होता है वो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप जीरो है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी, यानी कि इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट कंडीशन में है। अब इस सेकेंड ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ हो वो एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन का टाइम एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो कॉन्स्टेंट बना हुआ है, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर इस लाइन का जो स्लोप है वो कॉन्स्टेंट है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर ग्राफ का जो स्लोप है वो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो हम कह सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले पार्टिकल के लिए हम कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि जो पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम इस अगले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ में इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर ग्राफ का जो स्लोप है वो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब होगा कि टाइम के साथ में पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि जो पार्टिकल है वो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है। अगर हम इस नेक्स्ट पोजिशन टाइम ग्राफ को स्टडी करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम के साथ में ग्राफ का जो स्लोप है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ में धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है, यानी कि जो पार्टिकल है वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के साथ में मूव कर रहा है। अब इस अगले ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ का स्लोप होगा यानी कि जो टेन थीटा होगा वो नेगेटिव होगा। साथ ही ग्राफ क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होगा और क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर ग्राफ का जो स्लोप होता है वो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और कांस्टेंट होगी। यहाँ पर पार्टिकल की नेगेटिव वेलोसिटी से मतलब है कि पार्टिकल रिटर्न होकर वापस से ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यानी कि इस पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो नेगेटिव वेलोसिटी और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के साथ में ओरिजिन की तरफ रिटर्न होकर वापस आ रहा है। काइनेमेटिक्स में जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं तो इसमें ग्राफ्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्राफ्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी ग्राफ को स्टडी करने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे किसी भी ग्राफ के स्लोप का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपली इसे समझें तो किसी भी ग्राफ के स्लोप का मतलब है कि उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ में कितना इंक्लाइनेशन या झुकाव है, या हम इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस ग्राफ के वाई कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसे ही हम उस ग्राफ का स्लोप कहते हैं। यानी कि किसी भी ग्राफ के लिए चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट यानी कि डेल्टा वाई और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि डेल्टा एक्स का जो रेशियो होगा उसे ही हम उस ग्राफ का स्लोप कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो इसके लिए हम इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और ये सेकेंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अगर हम पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ मूव करते हैं तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है वो है x2 - x1, जिसे हम डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ मूव करने पे इसके वाई कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है वो होगा y2 - y1, जिसे हम डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप को लिखा जा सकता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या फिर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब अगर हम पॉइंट वन के ऊपर एक्स एक्सिस के पैरल एक होरिजोनटल लाइन ड्रॉ करें तो इस स्ट्रेट लाइन और इस होरिजोनटल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल होगा थीटा।
अब अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थीटा लिखें तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जो कि इस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। यानी कि सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस के पैरल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना भी एंगल बनता है उसका जो टेन फंक्शन होगा यानी कि जो टेन थीटा होगा वो उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। यानी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप को लिखा जा सकता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या फिर टेन थीटा। लेकिन अगर हमें किसी भी टेढ़े मेढ़े ग्राफ के लिए किसी भी पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप फाइंड करना हो तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, अगर हमें किसी भी कर्व ग्राफ के लिए किसी पॉइंट पे ग्राफ का स्लोप फाइंड करना हो तो उस पॉइंट के लिए डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स काफ़ी छोटे होंगे, इसलिए हम इसे डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ का स्लोप है वो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब उस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे। इस एंगल का जो टेन फंक्शन होगा यानी कि जो टेन थीटा होगा वो इस पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ के स्लोप के इक्वल होगा। यानी कि जिस भी पॉइंट पे हमें ग्राफ का स्लोप फाइंड करना है हम उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल चेक करेंगे। उस एंगल का जो टेन फंक्शन होगा यानी कि जो टेन थीटा होगा वो उस पॉइंट के ऊपर उस स्ट्रेट लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी ग्राफ का स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को स्टडी करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होता है उसे लिखा जा सकता है डी वी बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल के लिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो उस पार्टिकल के एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है किसी भी पॉइंट पे उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट के ऊपर पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर हमें किसी भी मूविंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो तो उस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है वो उस पार्टिकल की फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के डिफरेंस के इक्वल होता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो पार्टिकल की चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। अगर हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है। यानी कि पार्टिकल एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जब भी पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। यानी कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन जीरो है। अब हम इस सेकंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है और इसका टाइम एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम जानते हैं कि जो ग्राफ का स्लोप होता है वो पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है और टाइम के साथ में पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। अब इस नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देख के बताइए कि जो पार्टिकल है उसका मोशन कैसा होगा। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ का स्लोप है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है और क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ का जो स्लोप होता है वो पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी टी इक्वल टू जीरो पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी और टाइम के साथ साथ उस पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी। साथ ही टाइम के साथ में पार्टिकल की वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है यानी कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो भी टाइम के साथ में इंक्रीज होता जाएगा। अब हम इस अगले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो ग्राफ हो एक स्ट्रेट लाइन है, साथ ही इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ में जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इस ग्राफ का जो स्लोप है जिसे हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो नेगेटिव होगा। अब क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है यानी कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव होगा। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी टी इक्वल टू जीरो पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाती है और उसके बाद में टाइम के साथ में पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है।
यहाँ पे पार्टिकल की नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि जो पार्टिकल है वो रिटर्न होके वापस से ओरिजिन की तरफ आ रहा होगा। यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगा लेकिन नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब हम इस नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करते हैं। इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। साथ ही इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के पैरेलल इस लाइन से बनने वाला एंगल थीटा 90 डिग्री से छोटा है, और हम जानते हैं कि इस ग्राफ के स्लोप को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कि जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो टी इक्वल टू जीरो पे कुछ पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है यू। अब क्योंकि यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो एक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इंक्रीज होके हो जाती है वी। तो इस ग्राफ के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी इक्वेशन को लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसे हम किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं या फिर वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशंस में अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। इस वीडियो में हम अर्थ के इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्टिकल मोशन को स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लें, तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसे स्मॉल जी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थ की सरफेस के आसपास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इसकी डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो चलिए अब हम फर्स्ट केस स्टडी करते हैं जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे। मान लेते हैं कि इस फुटबॉल को हमने अर्थ की सरफेस से एच हाइट से ड्रॉप किया है। ड्रॉप करते टाइम इस फुटबॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी। अब फुटबॉल जैसे जैसे नीचे मूव करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। मान लेते हैं कि जब ये फुटबॉल ग्राउंड से टकराएगी तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते हो जाती है वी। अब यहाँ पे हमने देखा कि जैसे जैसे फुटबॉल नीचे मूव कर रही है इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा स्मॉल जी उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है, तो इस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, साथ ही इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पॉजिटिव है। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करूँ वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो उसमें यू की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हम प्लस जी पुट करेंगे, तो इससे इक्वेशन बन जाती है वी इक्वल्स टू जी टी। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि ये जो टी है ये वो टाइम है जो इस फुटबॉल को हाइट एच से ग्राउंड लेवल तक आने में लगा है, यानी कि ये फुटबॉल जब ग्राउंड से टकराएगी तो उस कंडीशन में इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू जी टी। अब अगर हम इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करें जो कि है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसमें अगर मैं यू की वैल्यू जीरो पुट कर दूँ और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू प्लस जी पुट कर दूँ, और क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकली मूव कर रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एच से रिप्रेजेंट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है एच इक्वल्स टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल तक आने में कितना टाइम लगेगा, या फिर हमें ये पता हो कि इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल तक आने में कितना टाइम लगा है, तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने किस हाइट से ड्रॉप किया होगा। अब इसी तरीके से अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस, और इस इक्वेशन में पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यानी यू की वैल्यू जीरो पुट कर दें और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू प्लस जी पुट कर दें, तो इक्वेशन बन जाती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। यानी कि अगर हमें ये पता हो कि ऑब्जेक्ट को किस हाइट से हमने ड्रॉप किया है तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड लेवल से टकराएगा तो उस कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी।
कोई भी पार्टिकल n सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करते हैं, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस वन बाई टू ए इंटू टू एन माइनस वन। इस इक्वेशन में अगर हम पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी u को जीरो पुट कर दें और एक्सेलरेशन a को अगर हम प्लस जी पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाती है एच एन इक्वल्स टू जी बाई टू टू एन माइनस वन। यानी कि इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी n सेकेंड में पार्टिकल कितना हाइट कवर करेगा। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको जीरो माना जाता है। साथ ही ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसे लिखा जाएगा प्लस जी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है इसलिए हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं और इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए पार्टिकल के मोशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो पहला ग्राफ है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पे हमने देखा कि पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट करता है यानी कि जो हाइट कवर करता है और जो टाइम है उसके बीच का रिलेशन होता है एच इक्वल्स टू वन बाई टू जी टी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो हाइट है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो इसकी वजह से ये जो ग्राफ होगा ये पैराबोलिक टाइप होगा। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तेज़ी से इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरीके से हम इस मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है और जो टाइम है उनके बीच का रिलेशन होता है वी इक्वल्स टू जी टी। यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। साथ ही टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि यू वो जीरो रहेगी। अब यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए इनका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। अगर मैं इस इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y की जगह यहाँ पे v है, x की जगह यहाँ पे t है। तो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा यानी कि जो m होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। इसी तरीके से हम पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है इसलिए जो ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरल रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन ग्राफ्स को स्टडी करके भी हम ग्रेविटी के अंडर ऑब्जेक्ट के वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम फाइंड करते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो किसी टाइम टी के ऊपर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो कितनी हाइट कवर करेगा और इस कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ में वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका है। अब अगर हम ग्राउंड लेवल को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लें तो इनिशियली इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचेगा, इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करने का काम करेगा यानी कि रिटार्डेशन का काम करेगा, और रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। अब ग्रेविटी के अंडर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और एक पर्टिकुलर हाइट h के ऊपर इस पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाती है जीरो। इसके बाद में पार्टिकल वापस पलटेगा और ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। इसे हम पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट भी कह सकते हैं। इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है और पार्टिकल ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वापस से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। साथ ही यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसे नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि इस पार्टिकल को इस मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो है कैपिटल टी। तो काइनेमेटिक्स की जो फर्स्ट इक्वेशन है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी,
उसमें अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर दें तो इक्वेशन को लिखा जा सकता है जीरो इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, और यहाँ से सॉल्व करने पे इक्वेशन बन जाती है यू इक्वल्स टू जी टी। तो यहाँ पे अगर हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट को हमने किस इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, या फिर हमें ये पता हो कि इस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को हमने किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका होगा। अब इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अगर हम इस इक्वेशन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाती है एच इक्वल्स टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं कि जब हम किसी भी पार्टिकल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आफ्टर टाइम टी वो पार्टिकल कितनी हाइट के ऊपर होगा। अब अगर हम मान लें कि पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो है कैपिटल टी, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला लिखा जा सकता है एच मैक्सिमम इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल टी वो टाइम है जो पार्टिकल को ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में लगा है। तो यहाँ पे अगर हमें ये पता हो कि पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं कि पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा। यहाँ पे जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसे पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट कवर करने में जो टोटल टाइम टी लगेगा उसकी टर्म्स में लिखा जा सकता है यू इक्वल्स टू जी इंटू टी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम यू की वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाती है एच मैक्सिमम इक्वल्स टू जी टी इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बन जाता है एच मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है और पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट कवर करने में जो टाइम टी लगेगा उसके बीच का रिलेशन होता है एच मैक्सिमम इक्वल्स टू 1/2 जी टी स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है वो होती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। इस इक्वेशन में अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी पुट कर दें और पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को एच से रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन बन जाती है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। यानी कि जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होगी उसे लिखा जा सकता है वी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, और इससे हम उस पार्टिकल की हाइट एच के ऊपर फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँच के उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इस इक्वेशन में अगर हम पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी वी को जीरो पुट कर दें और एच की जगह एच मैक्सिमम पुट कर दें तो इक्वेशन बन जाती है जीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच मैक्सिमम, और यहाँ से सॉल्व करने पे इक्वेशन को लिखा जा सकता है यू स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एच मैक्सिमम। यानी कि अगर हमें पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पता है जिससे हमने पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया होगा तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं कि पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जब भी पार्टिकल किसी इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। साथ ही एक पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद में पार्टिकल की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, और वहाँ से पार्टिकल वापस पलटता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। साथ ही क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट माना है इसलिए हम इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, और उन इक्वेशंस को यूज़ करके पार्टिकल के वर्टिकल अपवर्ड मोशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद में पार्टिकल वापस से पलटता है और ग्राउंड की तरफ मूव करता है। उस मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो जाती है, और उस मैक्सिमम हाइट को कवर करने के बाद में पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस से ग्राउंड की तरफ मूव करता है। साथ ही हमको याद रखना है कि जब भी हम ग्राउंड लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को वापस से ग्राउंड लेवल तक आने में लगता है।
यानी कि जो पार्टिकल है वो ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में और मैक्सिमम हाइट से वापस से ग्राउंड लेवल तक आने में इक्वल टाइम लेगा। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल का अप फ्लाइट और डाउन फ्लाइट का टाइम है वो इक्वल रहेगा। पार्टिकल को ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू यू अपॉन जी, और इतना ही टाइम पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड लेवल तक आने में लगेगा। यानी कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है पार्टिकल का वो रहेगा 2t, जिसे हम 2u/g भी लिख सकते हैं। वर्टिकल अपवर्ड मोशन में हमको याद रखना है कि जब भी पार्टिकल ग्राउंड लेवल से सेम हाइट पे होता है उसकी स्पीड सेम रहेगी। यानी कि पार्टिकल के मोशन के दौरान ग्राउंड लेवल से सेम हाइट के ऊपर, चाहे पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ आ रहा हो, उसकी स्पीड सेम रहेगी। तो चलिए अब हम वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे ये जो पहला ग्राफ है ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टी इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि पार्टिकल ग्राउंड लेवल पे होगा इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा पार्टिकल ग्राउंड लेवल से दूर होता जाएगा और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होता जाएगा। जब पार्टिकल टी इक्वल टू यू अपॉन जी टाइम के ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाता है तो उस कंडीशन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से पार्टिकल वापस पलटता है और ग्राउंड की तरफ मूव करता है, और इस सिचुएशन में पार्टिकल का जो ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूसली कम होता जाता है। इसी तरीके से अगर हम पार्टिकल के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो जब हम पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होती है यू। फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, और जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है तो आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टू यू अपॉन जी उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उसके बाद पार्टिकल वापस पलटता है और ग्राउंड की तरफ मूव करता है, यानी कि इस कंडीशन में पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पहले की कंपेरिजन में नेगेटिव होगी। मैक्सिमम हाइट से पार्टिकल जैसे जैसे नीचे मूव करता है उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहती है, और टाइम टी इक्वल्स टू 2u/g के बाद में जैसे ही पार्टिकल वापस से ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है उसकी फाइनल वेलोसिटी उतनी हो जाती है जितनी वेलोसिटी उसको ऊपर की तरफ फेंकते टाइम थी। यानी कि पार्टिकल जब वापस से ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है -u। और इसी तरीके से अगर हम पार्टिकल के वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो हम जानते हैं कि वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होता है। यानी कि वर्टिकल अपवर्ड मोशन के लिए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो होगा -g। साथ ही क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर किया है इसलिए ये जो ग्राफ होगा ये टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। तो गाइज इस वीडियो में हमने ग्रेविटी के अंडर किसी भी पार्टिकल के वर्टिकल मोशन को डिटेल में स्टडी किया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी भी पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है, और इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। और जब हम किसी भी पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होती जाती है, और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।